स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल DTH Talks में। मैं आपका अपना दोस्त हर्ष। दोस्तों DTH पुलिस के चहेते चैनल सोनी पल की तरफ से आ चुकी है अब तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, सोनी पल के अंदर हो चुका है महाबदलाव। आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ है उसकी फुल डिटेल देंगे आपको। इसी के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये चैनल अपने आप में ये बदलाव क्यों कर रहा है, क्या ये चैनल इस दिवाली पर DTH पुलिस पर आने वाला है या फिर आने वाले टाइम में आने वाला है। पूरी अपडेट देंगे विस्तार पूर्वक, तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। तो चले दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कि यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो कि हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि चैनल पर सब्सक्राइब का बटन प्रेस नहीं करे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, और आपसे गुजारिश है कि हमारी प्रीवियस वीडियो पे अपना सपोर्ट प्लीज़ दिखाएं, क्योंकि लगातार गाइस हमारी प्रीवियस दो वीडियोस पे आपका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो प्लीज़ यार उस वीडियो को देखो, काफ़ी काम की वीडियो है वो। तो चलो अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सोनी पल ने अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा महाबदलाव किया है। यस गाइस, ये चैनल पूरे तरीके से रिब्रांड हो चुका है। इसका नाम भले ही चेंज नहीं किया गया, परंतु इसका लोगो, ग्राफिक्स और सब कुछ बदल दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्क्रीन पर कुछ टीवी स्क्रीन के फुटेजेस देख सकते हैं, जहां पर हमें सोनी पल का नया लोगो देखने को मिला है। इसी के साथ जो इसके सोर्स के प्रोमोज वगैरह हैं उनके में भी काफ़ी बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। वैसे तो गाइस ग्राफिक पर्सनल रूप से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बस इसमें एक कमी दिख रही है कि जो सोनी पल का लोगो है वो कुछ ज़्यादा ही छोटा रखा गया है। अगर कंपनी उसके लोगो को बढ़ा देती है तो ये कहीं ना कहीं और इफेक्टिव हमें देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आगे जाकर क्या किया जाता है, पर फिलहाल आपको सोनी पल कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। कमेंट सेक्शन में राय दीजिए आपको ये नया लोगो और नई ग्राफिक्स कैसी लगी। अब बात करते हैं DTH पुलिस को लेकर। तो देखो दोस्तों, फिलहाल ये तो खबरें नहीं आई हैं कि ये चैनल आने वाले कुछ समय में, यानी कि 2 से 3 हफ्ते में DTH पुलिस पर वापसी करेगा, क्योंकि फिलहाल किसी भी ऑक्शन का प्लान नहीं है। परंतु दोस्तों अब ये और चांसेस बढ़ गए हैं कि सोनी पल आने वाले ऑक्शन में, जो कि हमारे DTH पुलिस कैंप PG2 के लिए होगी, अगर उसमें स्लॉट्स की संख्या अच्छी खासी रहती है तो ये जरूर आ सकता है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़ा परिवर्तन कर चुका है। तो फिलहाल गाइस यही अपडेट आई थी इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।